हर हर महादेव। हे शिव जी महाराज, हम सब आपसे प्रार्थना करते हैं कि आपके आशीर्वाद से हम सब शिव महापुराण का ये पाठ संपूर्ण कर सकें और जो भी ज्ञान इस समय हमारे लिए उपयुक्त है वो ज्ञान हम जान सकें, जिससे हम हमारे जीवन को और भी अच्छा बना सकें। थैंक यू लॉर्ड शिवा फॉर योर प्राइसलेस ब्लेसिंग्स। आत्मा नमस्ते एवरीवन। सो अब हम शिव महापुराण के रुद्र संहिता का पाठ कर रहे हैं, अध्याय 42। उमा द्वारा शंभु के नेत्र मूंद लिए जाने पर अंधकार में शंभु के पसीने से अंधकार सुर्ख की उत्पत्ति, हिरण्यकश्यप के पुत्रा तपस्या और शिव का उसे पुत्र के रूप में अंधक को देना, हिरण्याक्ष का त्रिलोकी को जीतकर पृथ्वी को रसातल में ले जाना और वाहरा रूपी धारी विष्णु द्वारा उसका वध। सो बहुत सारी चीजें यहाँ पे हो रही है। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, अब जिस प्रकार अंधकासुर ने परमात्मा शंभु के गणाध्यक्ष पद को प्राप्त किया था, महेश्वर के उस मंगलमय चरित्र को श्रवण करो। मुनीश्वर, अंधकासुर ने पहले शिव जी के साथ बड़ा घोर संग्राम किया, परंतु पीछे बारंबार सात्विक भाव के उद्रेक से उसने शंभु को प्रसन्न कर लिया, क्योंकि नाना प्रकार की लीलाएं करने वाले शंभु शरणागत रक्षक तथा परम भक्त वत्सल है। उनका महात्म परम अद्भुत है। व्यास जी ने पूछा, ऐश्वर्यशाली मुनिवर, वह अंधक कौन था? भूतल पर किस वीर्यवान के कुल में उत्पन्न हुआ? दैत्यों में प्रधान तथा महा मनस्वी उस बलवान अंधक का स्वरूप कैसा था? वह किसका पुत्र था? उसने परम तेजस्वी शंभु की गणाध्यक्षता को कैसे प्राप्त की? यदि अंधक गणेश्वर हो गया तब तो वह परम धन्यवाद का पात्र है। सनत कुमार ने कहा, मुने, पूर्व काल की बात है, एक समय भक्तों पर कृपा करने वाले तथा देवताओं के चक्रवर्ती सम्राट भगवान शंकर को विहार करने की इच्छा हुई। तब वे पार्वती और गणों को साथ लेकर अपने निवास भूत कैलाश पर्वत से चलकर काशीपुरी में आए। वहां उन्होंने उस पुरी को अपनी राजधानी बनाया और भैरव नामक वीर को उसका रक्षक नियुक्त किया। फिर पार्वती के साथ रहते हुए वे भक्त जनों को सुख देने वाली अनेक प्रकार की लीलाएं करने लगे। एक समय वे अपने वरदान के प्रभाववश अनेकों विराग्रगण गणेश्वरों और शिवा के साथ मंदराचल पर गए और वहां भी तरह तरह की क्रीड़ाएं करने लगे। एक दिन जब प्रचंड पराक्रमी करदपी शिव मंदराचल की पूर्व दिशा में बैठे थे, उसी समय गिरजा ने नम्र क्रीड़ावश उनके नेत्र बंद कर दिए। इस प्रकार जब पार्वती ने मूंगे सुवर्ण और कमल की प्रभाव वाले अपने कर कमलों से हरि के नेत्र बंद कर दिए, तब उनके नेत्रों के मुंद जाने के कारण वह क्षण भर में घोर अंधकार फैल गया। पार्वती के हाथों का महेश्वर के शरीर से स्पर्श होने के कारण शंभू के ललाट में स्थित अग्नि से संतप्त हो मंद जल प्रकट हो गया और जल की बहुत सी बूंदें टपक पड़ी। तदंतर उन बूंदों ने एक गर्भ का रूप धारण कर लिया। उससे एक ऐसा जीव प्रकट हुआ जिसका मुंह विकराल था। वह अत्यंत भयंकर, क्रोधी, कृतघ्न, अंधा, कुरूप, जटाधारी, काले रंग का, मनुष्य से भिन्न, बेडोल और सुंदर बालों वाला था। उसके कंठ से घोर घर घर शब्द निकल रहा था। वह कभी गाता, कभी हंसता और कभी रोने लगता तथा उसके जबड़ों को चाटते हुए वह नाचता रहता। उस अद्भुत दृश्य वाले जीव के प्रकट होने पर शिवजी मुस्कुराकर पार्वती से बोले, श्री महेश्वर ने कहा, प्रिय, मेरे नेत्रों को मूंद कर तुमने ही तो ये कर्म किया है, फिर तुम उससे भय क्यों कर रही हो? शंकर जी के उस वचन को सुनकर गौरी भी हंस पड़ी और उनके नेत्रों पर से उन्होंने अपना हाथ हटा लिया। फिर तो वहां प्रकाश छा गया, परंतु उस प्राणी का वह रूप भयंकर ही बना रहा और अंधकार से उत्पन्न होने के कारण उसके नेत्र भी अंधे थे। तब वैसी प्राणी को प्रकट हुआ देखकर गौरी ने महेश्वर से पूछा। गौरी ने कहा, भगवान, मुझे सच सच बतलाइए
कि हम लोगों के सामने प्रकट हुआ ये बेडोल प्राणी कौन है, ये तो अत्यंत भयंकर है। किस निमित्त को लेकर किसने इसकी सृष्टि की और ये किसका पुत्र है? सनत कुमार कहते हैं, महर्षि जब लीला रचने वाले तथा तीनों लोकों की जननी गौरी ने सृष्टिकर्ता की उस अंधी सृष्टि के विषय में यह प्रश्न किया, तब लीला विहारी भगवान शंकर अपने प्रिया के उस वचन को सुनकर कुछ मुस्कुराए और इस प्रकार बोले, महेश्वर ने कहा, अद्भुत चरित्र रचने वाली अंबिके सुनो, जब तुमने मेरे नेत्र मूंद दिए उस समय यह अद्भुत एवं प्रचंड पराक्रमी प्राणी मेरे पसीने से प्रकट हुआ है, इसका नाम अंधक है, तुम्हें इसको उत्पन्न करने वाली हो, अतः सखियों सहित तुम्हें करुणा पूर्वक इसके गणों से यथा योग्य रक्षा करते रहना चाहिए। आर्य इस प्रकार बुद्धि पूर्वक विचार करके ही तुम्हें सब कार्य करना चाहिए। सनत कुमार कहते हैं, मुने अपने स्वामी के ऐसे वचन सुनकर गौरी का हृदय करुणा से भर गया। वे अपनी सखियों सहित अंधक की ओर अपने पुत्र के भांति नाना प्रकार के उपायों द्वारा रक्षा करने लगी। तदंतर शिशिर ऋतु आने पर दैत्य हिरणाक्ष पुत्र की कामना से उसी वन में आया, क्योंकि उसकी पत्नी ने उसके ज्येष्ठ बंधु की संतान परंपरा को देखकर उसे संतान के यथार्थ तपस्या के लिए प्रेरित किया। वहां वह कश्यप नंदन हिरण्याक्ष वन का आश्रय ले पुत्र प्राप्ति के लिए घोर तप करने लगा। उसके मन में महेश्वर के दर्शन की इच्छा थी, अतः वह क्रोध आदि दोषों को अपने काबू में करके ठूंठ के भांति निश्चल होकर समाधि को प्राप्त हो गया। द्विजेंद्र जब जिसकी ध्वजा में वृष का चिन्ह वर्तमान तथा जो पिनाक धारण करने वाला हो, वे महेश उसकी तपस्या से पूर्णतः प्रसन्न हुए और उसे वर देने के लिए चले और उस स्थान पर पहुंचकर दैत्य प्रवर हिरण्याक्ष से बोले। महेश ने कहा, दैत्यनाथ अब तू अपनी इंद्रियों का विनाश मत कर, किसके लिए तूने इस व्रत का आश्रय लिया है, तू अपना मनोहर तो प्रकट कर, मैं वरदाता शंकर हूं, अतः तेरी जो भी अभिलाषा होगी वह सब मैं तुझे प्रदान करूंगा। सनत कुमार कहते हैं, महर्षि महेश्वर के उस सरस वचन को सुनकर दैत्यराज हिरणाक्ष परम प्रसन्न हुए और उसने गिरीश के चरणों में नमस्कार करके अनेक प्रकार से उनकी स्तुति की। फिर वे अंजलि बांधे सिर झुकाकर कहने लगे। हिरण्याक्ष ने कहा, चंद्रभाल मेरे उत्तम पराक्रम संपन्न तथा दैत्य कुल के अनुरूप कोई पुत्र नहीं है, इसीलिए मैंने इस व्रत का अनुष्ठान किया है, देवेश मुझे परम बलशाली पुत्र दीजिए। सनत कुमार कहते हैं, मुने दैत्यराज के उस वचन को सुनकर कृपालु शंकर प्रसन्न हुए और उन्होंने बोला, दैत्याधिप तेरे भाग्य में तेरे वीर्य से उत्पन्न होने वाला पुत्र तो नहीं लिखा, किंतु मैं तुझे एक पुत्र देता हूँ। मेरा एक पुत्र है जिसका नाम है अंधक, वह तेरे ही समान पराक्रमी और अजय है, तू संपूर्ण दुखों को त्याग कर उसी को पुत्र रूप में वरण कर और इस प्रकार पुत्र को प्राप्त कर ले। सनत कुमार कहते हैं, महर्षि उससे यो कहकर गौरी के साथ विराजमान उस महात्मा भूतनाथ त्रिपुरारी शंकर ने प्रसन्न हो हिरण्याक्ष को वह पुत्र दे दिया। इस प्रकार शिवजी से पुत्र प्राप्त करके वह महान मनस्वी दैत्य परम प्रसन्न हुए। उसने अनेक स्रोत्रों द्वारा रुद्र की पूजा करके प्रदक्षिणा की और फिर वह अपने राज्य को चला गया। गिरीश से उस पुत्र प्राप्त कर लेने के बाद वह प्रचंड पराक्रमी दैत्य संपूर्ण देवताओं को जीत कर इस पृथ्वी को अपने देश रसातल में उठा ले गया। तब देवताओं मुनियों और सिद्धों ने अत्यंत पराक्रमी विष्णु की आराधना की। फिर तो भगवान विष्णु सर्वात्मक यज्ञमय विकराल वाराह शरीर धारण करके थुथुन के अनेकों प्रहारों से पृथ्वी को विदीर्ण करके पाताल लोक में जा घुसे। वहां उन्होंने कभी न टूटने वाला अपनी अगली दाढ़ों से तथा थुथुन से सैकड़ों दैत्यों का कचुंबर निकालकर अपने व्रज सदृश कठोर पाद प्रहारों से निशाचरों की सेना को मत डाला। तत्पश्चात अद्भुत एवं प्रचंड तेजस्वी विष्णु ने करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान सुदर्शन चक्र से
हिरणाक्ष के प्रज्वलित सिर को काट दिया और दुष्ट दैत्यों को जलाकर भस्म कर दिया। यह देखकर देवराज इंद्र को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने असुर राज्य अंधक को अभिषिक्त कर दिया। फिर महात्मा इंद्र विष्णु को अपने दाड़ों द्वारा पाताल लोक से पृथ्वी को लाते हुए देखकर परम प्रसन्न हुए और अपने स्थान पर आकर पूर्वतः स्वर्ग और भूतल की रक्षा करने लगे। इधर वारा रूप धारण करके उत्तम कार्य करने वाले उग्र रूपधारी श्री हरि प्रसन्नचित हुए समस्त देवताओं मुनियों और पद्म योनि ब्रह्मा द्वारा प्रसन्नचित होकर अपने लोक को चले गए। इस प्रकार वारा रूपधारी विष्णु द्वारा असुर राज हिरण्याक्ष के मारे जाने पर समस्त देव मुनि तथा अन्य सभी जीव सुखी हो गए। अध्याय 42 समाप्त। हिरण्यकशिपुरी की तपस्या और ब्रह्मा से वरदान पाकर उसका अत्याचार, नरसिंह द्वारा उसका वध और प्रहलाद को राज्य प्राप्ति। सनत कुमार व्यास जी कहते हैं, इधर वारा रूपी धारी श्री हरि के द्वारा इस प्रकार भाई के मारे जाने पर हिरण्यकश्यप शोक और क्रोध से संतप हो उठे। श्री हरि के साथ बैर करना तो उसे रुचता ही था, अतः उसने संघार प्रेमी वीर असुरों को प्रजा का विनाश करने के लिए आज्ञा दे दी। तब वे संघार प्रिय असुर स्वामी की आज्ञा को सिर चढ़ाकर देवताओं तथा प्रजाओं का विनाश करने लगे। इस प्रकार जब उस दुष्ट चित्त वाले असुरों द्वारा सारे देवलोक तहस नहस कर दिया गया, तब देवता स्वर्ग को छोड़कर गुप्त रूप से भूतल पर विचरने लगे। इधर भाई की मृत्यु सुनकर हिरण्यकशिपुर ने भाई को जलांजलि देकर उसकी स्त्री आदि को ढांढस बधाया। तत्पश्चात उस दैत्यराज ने अपने लिए विचार किया कि मैं अजय अमर और अजर हो जाऊं, मेरा ही राज्य हो सब जगह और मेरा कोई भी प्रतिद्वंदी नहीं हो। यों धारणा बांधकर वो मंदराचल पर गया और वहां एक गुफा में अत्यंत घोर तपस्या करने लगा। उस समय वह पैर के अंगूठे के बल खड़ा रहा। उसने अपनी भुजाओं को ऊपर उठा लिया और दृष्टि आकाश की ओर लगा दी। उसकी तपस्या से संतप्त होकर देवताओं का मुंह विकृत हो गया। वे स्वर्ग को छोड़कर ब्रह्मलोक में जा पहुंचे और उन्होंने ब्रह्मा से अपना दुखड़ा कह दिया। व्यास जी उन देवताओं के इस प्रकार कहने पर स्वयं ब्रह्मा, भृगु, दक्ष आदि के साथ उस दैत्येश्वर के आश्रम गए। तब जिसने अपने तपस्या से संपूर्ण लोकों को संतप्त कर लिया, उस हिरण्यकश्यप को वर देने के लिए आए हुए पद्मयोनि ब्रह्मा ने उसके सामने उपस्थित देखा। उधर पितामह ने भी उससे कहा, वर मांगो। तब जिसकी बुद्धि मोहित नहीं हुई हुई थी, उस असुर ने विधाता की उस मुदर वाणी को सुनकर इस प्रकार कहा। हिरण्यकश्यपु बोला, ऐश्वर्यशाली प्रजापति पितामह, मैं चाहता हूँ स्वर्ग में, भूतल पर, दिन में, रात में, ऊपर या नीचे, कहीं भी शस्त्र, अस्त्र, पाश, वज्र, शुष्क, वृक्ष, पर्वत, जल, अग्नि के रूप में शत्रु के प्रहार से देवता, दैत्य, मुनि, सिद्ध की बहन आपके द्वारा रचे हुए जीवों के हाथों मुझे कभी भी मृत्यु का भय नहीं हो। सनत कुमार कहते हैं, मुने, हिरण्यकश्यप के इस प्रकार वचन सुनकर पद्मयोनि ब्रह्मा ने मन में दया का भाव जागृत हो गया। उन्होंने मन ही मन विष्णु जी को प्रणाम करके कहा, दैतेंद्र, मैं तुझ पर प्रसन्न हुआ हूँ, अतः तुझे सारी वस्तुएं प्राप्त होगी। तूने 96,000 वर्षों तक तप किया है, अब मैं तेरी कामना को पूर्ण करता हूँ, अतः तप से विरत हो, उठ और दानवों के राज्य का उपयोग कर। ब्रह्मा की वाणी सुनकर हिरण्यकश्यप का मन बहुत प्रसन्नता से खिल उठा। इस प्रकार जब पितामह ने उसे दानव राज्य पर अभिषिक्त कर दिया, तब वह उन्मत्त हो उठा और त्रिलोकी को नष्ट करने का विचार करने लगा। फिर तो उसने संपूर्ण धर्मों का उच्छेद करके संग्राम में समस्त देवताओं को भी जीत लिया। तब देवता भागकर विष्णु जी के पास पहुंचे। वहां श्री हरि ने देवताओं और मुनियों की दुख गाथा सुनकर उन्हें आश्वासन दिया और शीघ्र ही उस दैत्य के वध करने का वचन दिया। तब देवता अपने स्थान को लौट आए। तदंतर महात्मा विष्णु ने ऐसा रूप धारण किया जो आधा सिंह था और आधा मनुष्य का था। वह अत्यंत भयंकर तथा विकराल दिख रहा था। उसका मुख खूब फैला हुआ था, नासिका बड़ी सुंदर थी, नख तीखे थे, गर्दन पर सटाए लहरें थी, दाढ़े भी आयुक्त थी,
उसने करोड़ों सूर्य के समान प्रभा छिटक रही थी और उसका प्रभाव प्रलयकालीन अग्नि के सदृश था। अधिक कहां तक कहा जाए, वह रूप जगन्मय था। इसी रूप से वे भगवान भास्कर के अस्ताचल की शरण लेकर असुरों की नगरी में प्रविष्ट हुए। उन अतुल प्रभावशाली नरसिंह को देखकर सभी दैत्य एक स्थान पर उन पर टूट पड़े। तब उन अद्भुत पराक्रमी नरसिंह ने महाबली दैत्यों के साथ युद्ध करके बहुतों को मार डाला, बहुतों को पकड़ पकड़ कर तोड़ मरोड़ दिया। फिर वे उस नगर में घूमने लगे। तब उस सर्वमय सिंह को देखकर दैत्यराज के प्रभु प्रहलाद ने राजा से कहा, ये मृगेंद्र तो जगन्मय दिख रहे हैं, यह यहाँ किस लिए आए हैं? प्रहलाद पुनः कहा, पिताजी मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये भगवान अनंत है और नरसिंह का रूप धारण करके अपने नगर में प्रविष्ट हुए, क्योंकि मुझे इनकी मूर्ति बड़ी विकराल दिख रही है। अतः आप युद्ध से हटकर उनकी शरण में जाएं, इनसे बढ़कर त्रिलोकी में दूसरा कोई भी योद्धा नहीं है, इसलिए आप इस मृगेंद्र के सामने झुककर अपने राज्य का उपभोग किए। अपने बेटे की बात सुनकर उस दुरात्मा ने कहा, बेटा तू क्या भयभीत हो गया है? अपने पुत्र को यह कहकर दैत्यों के अधिपति राजा हिरण्यकश्यप ने महाबली दैत्यों को आज्ञा देते हुए कहा, वीरो तुम लोग इस बेडोल भ्रुकुटी और नेत्र वाले सिंह को पकड़ लो। तब स्वामी की आज्ञा से उन मृगेंद्र को पकड़ने की इच्छा से वे सब के सब दैत्य रणभूमि में घुसे, परंतु जैसे रूप की अभिलाषा से अग्नि में प्रवेश करने वाले पतंगे जल भुन जाते हैं, उसी तरह वे सब के सब क्षण भर में जलकर भस्म हो गए। दैत्यों के दग्ध हो जाने पर वह दैत्य राज संपूर्ण शस्त्र अस्त्र शक्ति दृष्टि पाश अकुश और पावक आदि से उस मृगेंद्र के साथ लोहा लेते ही रह गया। इस प्रकार बहुत काल तक भयानक युद्ध हुआ। अंत में उस नरसिंह ने व्रज के समान कठोर अपने अनेकों भुजाओं से उस दैत्य को पकड़ लिया और उसे अपने जानुओं पर लिटाकर दानवों के मर्म को विदीन करने वाले नाखूनों से उसकी छाती चीर डाली तथा खून से लथपथ हुए उसके हृदय कमल को निकाल लिया। फिर तो उसी क्षण उसके प्राण पखेरु हो गए। तब भगवान नरसिंह ने बारंबार के आघात से जिसके सारे अंग चून चून हो गए थे उस काष्ठभूत दैत्य को छोड़ दिया। उस समय उस देव शत्रु के मारे जाने पर बड़ी प्रसन्नता हुई। उसी अवसर पर प्रहलाद ने आकर उनके चरणों में सिर झुकाया। तब अद्भुत पराक्रमी विष्णु ने प्रहलाद को बुलाकर उन्हें दैत्यों के राज्य पर अभिषिक्त किया और स्वयं अतिरिक्त गति को प्राप्त हो अंतर्ध्यान हो गए। तदंतर पितामह आदि समस्त सुरेश्वर परम प्रसन्न हुए। उनका कार्य सिद्ध करके पूजनीय भगवान विष्णु को उसी दिशा में प्रणाम करके अपने अपने धाम को चले गए। प्रियवर प्रसंगवश मैंने रुद्र से अंधक की उत्पत्ति, वारा से हिरणाक्ष की मृत्यु, नरसिंह के हाथों द्वारा भाई का विनाश करना और प्रहलाद की राज्य प्राप्ति का वर्णन किया है। द्विज श्रेष्ठ, आप में शिव की कृपा से प्राप्त हुए अंधक के प्रभाव का और शंकर के साथ उसके युद्ध और पीछे जिस प्रकार महेश के गणाध्यक्ष की पद की प्राप्ति हुई उस कथा का वर्णन करता हूँ, वो सुनो। इस प्रकार अध्याय 43 समाप्त हुआ। भाइयों के उपलाभ से अंधक का तप करना और वर पाकर त्रिलोकी को जीतकर स्वेच्छाचार में प्रवृत्त होना, उसके मंत्रियों द्वारा शिव परिवार का वर्णन, पार्वती के सौंदर्य पर मोहित होकर अंधक का वहां जाना और नंदीश्वर के साथ युद्ध, अंधक के प्रहार से नंदीश्वर की मूर्छा, पार्वती के आह्वान से देवियों का प्रकट होकर युद्ध करना, शिव का आगमन और युद्ध, शिव द्वारा शुक्राचार्य का निगला जाना, शिव की प्रेरणा से विष्णु का काली रूप धारण करके दानवों के रक्त का पान करना, शिव का अंधक को अपने त्रिशूल में पिरोना और युद्ध की समाप्ति, ये बहुत सारे अब यहाँ पे चीजें होगी। सनत कुमार कहते हैं, मुनिवर एक समय हिरण्याक्ष का पुत्र अंधक अपने भाइयों के साथ विहार में संलग्न था। उसी समय उसके कामासक्त मंदाक भाइयों ने उससे कहा, अरे अंधे तुमने तो अब राज्य से क्या प्रायोजन? हिरण्याक्ष तो मूर्ख था जो उसने घोर तप द्वारा शंकर जी को प्रसन्न कर तुम जैसे कुरु बेडोल कलिप्रिय और नेत्रहीन को प्राप्त किया। ऐसे तुम राज्य के भागी तो नहीं हो सकते,
क्योंकि भला तुम ही विचार करो कि कहीं दूसरे से उत्पन्न हुआ पुत्र भी राज्य पाता है। सच पूछो तो निश्चय ही इस राज्य के भागी हम ही लोग हैं। सनत कुमार कहते हैं, मुने उन लोगों की वह बात सुनकर अंधक दीन हो गया। फिर उसने स्वयं ही बुद्धिपूर्वक विचार करके तरह तरह की बातों से उन्हें शांत किया और रात के समय वह निर्जन वन में चला गया। वह उसने हजारों वर्ष तक घोर तपस्या करके अपने शरीर को सुखा डाला और अंत में उस शरीर को अग्नि में होम देना चाहा। तब ब्रह्मा जी ने उसे वैसा करने से रोक कर कहा, दानव अब तू वर मान। सारे संसार में जिसे दुर्लभ वस्तु को प्राप्त करने के लिए तेरी अभिलाषा हो उसे तू मुझसे मांग ले। पद्म योनि ब्रह्मा के वचन को सुनकर वह दैत्य दीनता एवं नम्रता पूर्वक बोला, भगवान जिन निष्ठुरों ने मेरा राज्य छीन लिया है वे अपने सब दैत्य आदि मेरे भ्रत हो जाए, मुझ अंधे को दिव्य चक्षु प्राप्त हो, इंद्र आदि देवता मुझ पर दया करें और देवता दैत्य गंधर्व यक्ष नाग मनुष्य दैत्यों के शत्रु नारायण सर्वमय शंकर तथा अन्य किन्हीं भी प्राणियों से मेरी मृत्यु ना हो। उसके उस अत्यंत दारुण वचन को सुनकर ब्रह्मा जी शंकित हो उठे और उससे बोले, ब्रह्मा जी ने कहा, दैतेंद्र ये सारी बातें तो हो जाएगी किंतु अपने विनाश का कोई कारण भी तो स्वीकार कर ले, क्योंकि जगत में ऐसा कोई भी प्राणी नहीं हुआ ना आगे होगा जो काल के गाल में नहीं आता है। फिर तुझ जैसे सत्य पुरुष को तो अत्यंत लंबे जीवन का विचार त्याग देना चाहिए। ब्रह्मा ने इस अनन्य भरे वचन को सुनकर दैत्य पुनः बोला, अंधक ने कहा, प्रभु तीनों कालों में जो उत्तम मध्य और नीची नारियां होती है उन्हीं नारियों में से कोई रत्नभूता नारी मेरी ही जननी होगी। वह मनुष्य लोक के लिए दुर्लभ तथा शरीर मन और वचन से अगम्य होगी। उसमें राक्षस भाव के कारण जब मेरी काम भावना उत्पन्न हो जाएगी तभी वो मेरी नाश करेगी। उसकी बात सुनकर स्वयंभू भगवान ब्रह्मा को महान आश्चर्य हुआ। वे शंकर जी के चरण कमलों का स्मरण करने लगे। तब शंभू की आज्ञा पाकर वे उस अंधक से बोले। ब्रह्मा जी ने कहा, दैत्यवर तू जो कुछ चाहता है तेरे वे सभी सकाम वचन पूर्ण होंगे। दैतेंद्र अब तू उठ, अपना अभिष्ट प्राप्त कर और सारे वीरों के साथ युद्ध करता रहे। मुनीश हरण्याक्ष पुत्र अंधक के शरीर में नसें और हड्डियां भी शेष रह गई थी। वह ब्रह्मा के ऐसे वचन सुनकर शीघ्र ही भक्ति पूर्वक अपने लोकेश्वर के चरणों में लौट गया और इस प्रकार बोला। अंधक ने कहा, विभो जब मेरे शरीर में नशे और हड्डियां मात्र ही शेष रह गई है तब भला इस देह से शत्रु सेना में प्रवेश करके मैं कैसे युद्ध कर सकूंगा। अतः अब आप मेरे पवित्र हाथ से मेरा स्पर्श करके इस शरीर को मांसल बना दीजिए। सनत कुमार कहते हैं, महर्षि अंधक की प्रार्थना सुनकर ब्रह्मा जी ने अपने हाथ से उसके शरीर का स्पर्श किया। फिर वे मुनिगणों तथा सिद्ध समूहों से भलीभांति पूजित हो देवताओं के साथ अपने धाम को चले गए। ब्रह्मा के स्पर्श करते ही उस दैत्यराज का शरीर भरा पूरा हो गया जिससे उसमें बल का संचार हुआ तथा नेत्रों के प्राप्त होते ही हो जाने से वह सुंदर दिखने लगा। तब उसने प्रसन्नता पूर्वक अपने नगर में प्रवेश किया। उस समय प्रहलाद आदि शेष दानवों ने जब उसे वरदान प्राप्त करके आया हुआ जाना तब वे सारे राज्य उसे समर्पित करके उसके वंशवृत्ति भृत्य हो गए। तदंतर अंधक सेना और भृत वर्ग को साथ ले स्वर्ग को जीतने के लिए गया। वह संग्राम में समस्त देवताओं को पराजित करके उसने व्रजधारी इंद्र को अपना कर्तक बना लिया। उसने यत्र तत्र बहुत सी लड़ाइयां लड़कर नागों सुवर्णों श्रेष्ठ राक्षसों गंधर्वों यक्षों मनुष्यों बड़े बड़े पर्वतों वृक्षों सिंह आदि समस्त चौपायों को भी जीत लिया। यहाँ तक उसने चराचर त्रिलोकी को भी अपने वश में कर लिया। तदंतर वह रसाल तल में भूतल पर तथा स्वर्ग में जितनी सुंदर रूप वाली नारियां थी उनमें से हजारों को जो अत्यंत दर्शनीय थी तथा अपने अनुकूल थी साथ लेकर विचित्र पर्वतों पर तथा नदियों के रमणीय तट पर विहार करने लगा। दैत्यराज अंधक सदा दुष्टों का ही संलग्न था। उसकी बुद्धि मंद से अंधी हो गई जिससे उसको मूड इसकी भी कुछ ज्ञान नहीं रहा। फिर परलोक में आत्मा को सुख देने वाला कोई भी कर्म करना चाहिए इस प्रकार वह महान मनस्वी दैत्य उन्मत्त हो गया और अपने सारे प्रधान पुत्रों को कुकृत्यवाद से पराजित करके दैत्यों सहित संपूर्ण वैदिक धर्मों का विनाश करता हुआ विचरण करने लगा।
वह धन के मद से अभिभूत हो वेद देवता ब्राह्मण और गुरु आदि किसी का भी कहना नहीं मानता था। प्रारब्धवश उसकी आयु समाप्त हो चुकी थी, इसी से वह स्वेच्छाचार में प्रवृत्त हो व्यर्थ में अपनी आयु के शेष दिन गवाता हुआ रमण कर रहा था। उस दानव श्रेष्ठ के 3 मंत्री थे जिनके नाम थे दुर्योधन, वेधस और हस्ती। एक समय उन तीनों ने उस पर्वत के किसी रमणीय स्थान पर एक परम रूपवती नारी को देखा। उसे देखकर वे शीघ्रगामी श्रेष्ठ दैत्य हर्षमग्न होकर तुरंत ही महादैत्यपति वीरवर अंधक के पास पहुंचे और बड़े प्रेम से उसे देखी हुई घटना का वर्णन करने लगे। मंत्रियों ने कहा, दैत्येंद्र, यहाँ एक गुफा के भीतर हमने एक मुनि को देखा। ध्यानस्थ होने का कारण उसके नेत्र बंद थे और वह बड़ा रूपवान था। उसके मस्तक पर अर्धचंद्र की कला छटा बिखेर रही थी और कमर में गजेंद्र की खाल बंधी हुई थी। बड़े बड़े नाग उसके शरीर में लिपटे थे। खोपड़ियों की माला उसके जटाधारी आभूषण थे। उसके हाथ में त्रिशूल था, एक विशाल धनुष बाण और तुनीर भी था। उसका अक्ष सूत्र स्पष्ट दिख रहा था। उसके 4 भुजाएं, लंबी लंबी जटाएं, वखग, त्रिशूल और लकुट धारण किया हुआ था। उसकी आकृति अत्यंत गौर थी। उस पर भस्म का अनुलेप लगा हुआ था और वह अपने उत्कर्ष तेज से सुशोभित हो रहा था। इस प्रकार उस शेष तपस्वी का सारा वेश अद्भुत था। उसने थोड़ी दूर पर हमने एक और पुरुष को देखा जो विकराल वानर सा दिख रहा था। उसका मुख बड़ा भयंकर था। वह सभी आयुष धारण किया हुआ था, परंतु उसका हाथ रुक्ष था। वह उस तपस्वी की रक्षा में तत्पर था। उसके पास ही एक बूढ़ा सफेद रंग का बैल भी बैठा था। उस बैठे हुए तपस्वी के पार्श्व भाग में हमने एक शुभल शक संपन्न नारी को भी देखा। वह भूतल पर रत्न स्वरूपा है। उसका रूप बड़ा मनोरम है। तरुणी होने के नाते वह मन को मोह लेती है। मूंगे, मोती, मणि, सुवर्ण, रत्न और उत्तम वस्त्रों से वह सुसज्जित है। उसके गले में सुंदर मालाएं लटक रही है। कहाँ तक कहे, वह इतनी सुंदर है जिसने उसे एक बार देख लिया उसके नेत्र धारण करना सफल है। उसे फिर इस लोक में अन्य वस्तु के देखने का क्या प्रायोजन। वह दिव्य नारी पुण्यात्मा मुनिवर महेश की मान्या एवं प्रियतमा भार्या है। दैत्येंद्र, आप तो उत्तम उत्तम रत्नों के उपभोग करने वाले हो, अतः उसे यहाँ बुलाकर देखिए, वह आपके लिए भी योग्य है। सनत कुमार कहते हैं, मुनिश्रेष्ठ, मंत्रियों के उन वचनों को सुनकर दैत्यराज अंधक कामातुर हो गया। सो यहाँ पे बता रहे हैं कि पहले ही उसके सारे वाइसेस तो आ ही गए थे, सारे वेदों को सब वो भूल गया और अब वो एक युवती का जो वर्णन उसके मंत्री कर रहे थे, वो युवती कौन थी? पार्वती जी थी और जो पुरुष थे वो शिव जी थे। तो उन पार्वती के रूप को जब उन मंत्रियों ने डिस्क्राइब किया तो वो कामातुर हो गया, उसके सारे शरीर में कंप छा गया। फिर तो उसने तुरंत ही दुर्योधन आदि मुनि के पास भेजा और मंत्रियों ने वहां जाकर मुनीश्वर को प्रणाम करके उससे अंधकासुर का संदेश कहा तथा बदले में शिवजी का उत्तर सुनकर वह लौटकर अंधक से बोले। मंत्रियों ने कहा, राजन, आप तो संपूर्ण दैत्यों के स्वामी हैं। फिर उस पराक्रम वीर तपस्वी मुनि ने अपनी बुद्धि से त्रिलोकी को तृण के समान हंसकर आपके लिए ऐसी बातें की। उस निशाचर का शौर्य और धर्म अस्थिर है। वह दानव, कृपण, सत्यहीन, क्रूर, कृतज्ञ और सदा पाप कर्म करने वाला है। क्या उसे सूर्य पुत्र यम का भय नहीं है? कहां तो मैं मेरे दारुण शस्त्र और मृत्यु को भी शस्त्र कर देने वाला युद्ध, कहां वह वानर सा मुख वाला डरपोक निशाचर जिसके द्वारा अंग बुढ़ापे से जर्जर हो गए? कहां मेरा यह स्वरूप और कहां तेरी मध्य भाग्यता? तेरी सेना नहीं भी तो नहीं के बराबर है। फिर भी यदि तुझ में मुझ कुछ यद सामर्थ्य हो तो युद्ध के लिए तैयार हो जाओ और आकर मुझसे अपनी करतूत दिखा। मेरे पास तुझ जैसे पापियों का विनाश करने के लिए वज्र सरीका भयंकर शस्त्र है और तेरा शरीर तो कमल के समान कोमल है। ऐसी दशा में विचार करके तुझे जो रुचिकर प्रतीत हो वह कहे। सनत कुमार कहते हैं, मुनिवर, मंत्रियों की बात सुनकर माता पार्वती पर मोहित हुआ वह कामाक्ष राक्षस विशाल सेना लेकर चल पड़ा और वहां पहुंचकर नंदीश्वर से युद्ध करने लगा। वह भयानक युद्ध हुआ। उसी समय युद्धाशल में चर्बी, मांस, मज्जा और रक्त की कीच मच गई। वहां सिर कटे हुए, धड़ नाच रहे थे, कच्चा मांस खाने वाले जानवर चारों ओर व्याप्त थे जिससे वह बड़ा भयंकर लग रहा था। थोड़ी देर में दैत्य भाग खड़े हुए।
तब पिनाकधारी भगवान शंकर दक्ष कन्या सती को भली भांति धीरज बजाते हुए बोले, प्रिय मैंने जो पहले अत्यंत भयंकर महान पशुपात व्रत का अनुष्ठान किया था उसमें रात दिन तुम्हारे प्रसंगवश जो हमारी सेना विनाश हुआ है वह विघ्न सा आ पड़ा है। देवी मरण धर्मा प्राणियों का जो अमरों पर आक्रमण हुआ है वह मानव पुण्य का विनाश करने वाला ग्रहण प्रकट हुआ है। अतः अब मैं पुनः किसी निर्जीन वन में जाकर उस परम अद्भुत दिव्य व्रत की दीक्षा लूंगा और उस कठिन व्रत का अनुष्ठान करूंगा। सुंदरी तुम्हारा शोक और भय दूर हो जाना चाहिए। सनत कुमार कहते हैं, मुने इतना कहकर उग्र प्रभाशाली महात्मा शंकर धीरे से अपना सिंगा बजाकर एक अत्यंत भयंकर पावन वन में चले गए। वह 1000 वर्षों तक पशुपत व्रत के अनुष्ठान में तत्पर हो गए। इस व्रत का निभाना देवों और असुरों के शक्ति के बाहर है। इधर शील गुणों से संपन्न पतिव्रता देवी पार्वती मंद्राचल पर ही रहकर शिव जी के आगमन की प्रतीक्षा कर रही थी। यद्यपि पुत्र स्थानीय वीर करण अपने सुरक्षा में तत्पर थे तथापि उस गुहा के भीतर अकेली रहने के कारण वह सदा भयभीत रहती थी जिससे उन्हें बड़ा दुख होता था। इसी बीच वरदान के प्रभाव से उन्मत्त हुए दैत्य अंधक जिसका धैर्य कामदेव के बाणों से छिन भिन हो चुका था अपने मुख्य मुख्य योद्धाओं के साथ लेकर पुनः उस गुफा पर चढ़ गया। वह सैनिका सहित उसने वीरगण के साथ अत्यंत अद्भुत युद्ध किया। उस समय सभी वीरों के अन्न जल और नींद का परित्याग कर दिया। इस प्रकार वह युद्ध लगातार 505 दिन तक चलता रहा। अंत में दैत्यों की भुजाओं से छूटे हुए आयुधों के प्रहार से नंदीश्वर का शरीर घायल हो गया जिससे वह गुफा द्वार पर ही घिर कर मूर्छित हो गया। उसके गिरने से गुफा का सारा दरवाजा ढक गया जिससे उसका खोला जाना असंभव था। फिर दैत्यों ने 2 ही घड़ी में सारे वीरक गणों को अपने अस्त्र समूह से आच्छादित कर दिया। तब पार्वती ने भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी का स्मरण किया। स्मरण करते ही ब्राह्मणी नारायणी ऐन्द्री वैष्णवी यामा नेत्री वारुणी वायवी कौवेरी यक्षेश्वरी गारुड़ी आदि देवियों के रूप में समस्त देवता यक्ष सिंह गुहिक आदि शस्त्रों से सुसज्जित होकर अपने अपने वाहनों पर सवार होकर पार्वती के पास पहुंचे और राक्षस के साथ भिड़ गए। कुछ समय बाद भगवान शंकर भी आ गए। फिर तो घोर युद्ध हुआ। तदंतर शुक्राचार्य जो संजीवनी विद्या के द्वारा दैत्य को जीवित करते देखकर भूतनाथ शिव जी उनको निगल गए। शुक्राचार्य जी क्या कर रहे थे, सारे जैसे जैसे दैत्य मर रहे थे उनको संजीवनी देखकर जीवित कर रहे थे, तो शिव जी ने जब ये देखा तो उन्होंने उनको निगल लिया। इससे दैत्य ढीले पड़ गए। व्यास जी अंधक महान पराक्रमी वीर और त्रिपुरा हंती शिव जी के समान बुद्धिमान था। सैकड़ों वरदान मिलने के कारण वह उन्माद के वशीभूत हो गया था। यद्यपि बहुसंख्यक शास्त्र रत्नों की चोट से उसका शरीर जर्जर हो गया था फिर भी शिवजी पर विजय पाने के लिए उसने दूसरी माया रची। जब प्रलयकालीन अग्नि के समान शरीर धारण करने वाले भूतनाथ त्रिपुरी शंकर ने अपने त्रिशूल से उसे बुरी तरह छेद डाला तब भूतल पर घिरे हुए उसके रक्त कणों से युद्ध के युक्त अंधक प्रकट हुए। उसके सारी रणभूमि व्याप्त हो गई। वे विकृत मुख वाले भयंकर रक्षक अंधक के सुदर्श पराक्रमी थे। इस प्रकार जब पशुपति द्वारा मारे गए सैनिकों के घावों से निकले हुए अन्यंत गर्मागर्म रक्त बिंदुओं से दूसरे सैनिक उत्पन्न हुए तब बहुत सी भुजा रूपी लताओं द्वारा आक्रांत होने के कारण कुपित हुए बुद्धिमान भगवान विष्णु ने प्रमातनाथ शिव को बुलाकर योग बल से एक ऐसा अजय रूप स्त्री रूपी धारण किया जिसका मुख विकृत था, रूप उग्र विकराल और कंका मात्र था। वह स्त्री रूप शंभु के कान से निकला था। जब उस देवी ने रणभूमि में उपस्थित होकर अपने युगल चरणों से पृथ्वी को अलंकृत किया तब सभी देवता उसकी स्तुति करने लगे। तत्पश्चात भगवान ने उनकी बुद्धि को प्रेरित किया। फिर तो वे क्षुत्रार्थ होकर रण के मुहाने पर सैनिकों के साथ दैत्यराज के शरीर से निकले वे अत्यंत गरम गरम रुधिर का पान करने लगी जिससे राक्षसों का उत्पन्न होना बंद हो गया। यहाँ कह रहे कि अंधक के शरीर से रुधिर निकल रहा था और उससे राक्षस बन रहे थे, तो ये जो देवी जो शिवजी के कान से निकली वो रुधिर पान करने लगी पीने लगी। तदंतर एकमात्र अंधक बच गया था।
यद्यपि उसके शरीर रक्त सूख गया था तथापि वह अपने कुलोचित सनातन शास्त्र धर्म का स्मरण करके अविनाशी भगवान शंकर के साथ भयंकर थपेड़ों से, वज्र सदृश जानुओं से और चरणों से, वज्राकार नखों से, मुख भुजा और सिरों से संग्राम करता रहा। तब प्रमथ नाथ शिव ने रणभूमि में उसका हृदय विदीर्ण करके उसे शांत कर दिया। फिर त्रिशूल भोंक कर उसे स्थाणु के समान ऊपर उठाकर उस जजर शरीर को नीचे को लटक रहा था। सूर्य की किरणों ने उसे सुखा दिया। पवन के झोंकों से युक्त मेघों ने मूसलाधार जल बरसाकर उसे गीला कर दिया। हिमकण के समान शीतल चंद्रमा की किरणों ने उसे विशीर्ण कर दिया। फिर तो उस दैत्यराज ने अपने प्राणों का परित्याग किया। उसने विशेष रूप से शिवजी का स्तवन किया। तब करुणा के अगाध सागर शंभु प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे प्रेम पूर्वक गणों का अध्यक्ष पद प्रदान किया। तत्पश्चात युद्ध के समाप्त हो जाने पर लोकपालों ने नाना प्रकार के सार गर्भित स्रोत्रों द्वारा विधि पूर्वक शिवजी की अर्चना की और हर्षित हुए ब्रह्मा विष्णु आदि देवों ने गर्दन झुकाकर उत्तमोत्तम स्तुतियां द्वारा उनका स्तवन किया। फिर जय जयकार करते हुए वे आनंद मनाने लगे। तदंतर शिवजी उन सबको साथ लेकर आनंद पूर्वक गिरिराज की गुफा को लौट आए। वहां उन्होंने अपने अंशभूत पूजनीय देवताओं को नाना प्रकार की भेंट समर्पित करके उन्हें विदा किया और स्वयं प्रमुदित हो गिरिराज कुमारी के साथ उत्तम लीलाएं करने लगे। इस प्रकार अध्याय 44 से लेके 46 तक संपूर्ण हुए। सो लेट अस से थैंक्स। हे शिवजी महाराज, बुद्धि भ्रांत से, अज्ञान से, वाचन की त्रुटि से जो भी हमने आपका पूजन किया है, उस पूजन को आप स्वीकार करें और हम सबको आशीर्वाद के रूप में बहुत सारा बल, बुद्धि, ज्ञान और अध्यात्म की शक्ति प्रदान करें। थैंक यू लॉर्ड शिवा फॉर योर प्राइसलेस ब्लेसिंग्स। इनहेल द ब्लेसिंग्स। ओपन योर आईज विद अ स्माइल। आत्मा नमस्ते एवरीवन।